हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे सोमी की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, रेडमी नोट 7S की न्यूज़, जो कि 20 मई को रिलीज होने वाली है। तो गाइस, आज हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या इस फ़ोन पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल के कैमरे से। तो यहाँ पे रियर कैमरा दे रखा है गाइस 48 मेगापिक्सल, प्लस सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और फ्रंट कैमरे की बात करते हो तो यहाँ पे 30 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके डिस्प्ले के इंचेस के बारे में। तो यहाँ पे गाइज 6.3 इंचेस डिस्प्ले है गाइज IPS LCD के साथ। तो गाइज़, आप बात कर लेते हैं नोट 7 इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे गाइज 730 स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर दे रखी है, साथ ही साथ में 4GB की रैम भी दे रखी है गाइज। तो गाइज, अब आ जाते हैं इसकी बैटरी की तरफ। तो यहाँ पे गाइज इसकी बैटरी एमएच दे रखी है 4100 mAh की बैटरी दे रखी है, और साथ ही साथ फास्ट चार्जर का सपोर्टर भी दे रखा है। तो अब बात कर लेते हैं गाइज इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। जैसा कि मनु कुमार जैन ने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि 20 मई तक ये फ़ोन रिलीज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं गाइज इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे गाइज 13,000 से 14,000 के अंडर पे ये फ़ोन आपको मिल जाएगी। आप फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हो 20 मई के बाद। तो गाइज, आप लोगों को इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।